नमस्कार, मैं प्रेरणा। आप देख रहे हैं बिहार अपडेट और इस वक्त हम मौजूद है एक मुद्दे के साथ। दरअसल इस बार बीजेपी 40 से 40 सीट को लोकसभा चुनाव में साधने की कोशिश कर रही है और इसी के संदर्भ में हम जुड़ने वाले हैं पृथ्वी कुमार माली जी से, जिनसे हम जानना चाहते हैं कि आखिर वो किस मंशा के साथ आ रहे हैं सामने और भाजपा को किस तरीके से ये समर्थन मिले। जी, हम आज हम लोगों का जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और हम लोग जो जितने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है भाजपा को जो है उसका समर्थन दिए हैं और आगामी चुनाव में जो है 40 से 40 सीट जो है। अच्छा, जिस तरीके से दावेदारी की जा रही है बीजेपी के तरफ से, इस पर विपक्ष का ये कहना है कि ये महज एक दावेदारी है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत ये नहीं होने वाली है, क्या लगता है? वो तो 4 तारीख को पता चलेगा किसके किसके बातों में दम है। अगले बार भी आप चुनाव देखे होंगे, त्रिवेणी का चुनाव जो कह रहे थे कि हम जीत रहे हैं और कितनी 7 दल से उसमें तो भी जो मौका जो है हानि करी, और आज भी जो है 4 तारीख को जो है अपने के माध्यम से पता लग जाएगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो आप किस तरीके से समर्थन दे रहे कौन सा कैंडिडेट, उनका जो एक बात बताइए प्रधान बात को पूरा करें, कौन सा कैंडिडेट उसका जीत रहा है सबसे पहले तो ये बताना चाहिए ना। हर कैंडिडेट जो अनाप शनाप कैंडिडेट जो है उतार के दे रही है, कई आरोप लग रहे हैं, पैसे के आरोप लग रहे हैं, टिकट वो आप कैसे तरह करे करें, इसमें हम पढ़ना नहीं चाहते हैं कि पार्टी में अपना जो करना वो करें, तो इसी चीज़ का अपना मामला है, पार्टी को कैसे चलाना है वो। अच्छा, अभी जिस तरह से राजनीति हो रही है इस पर ये कहा जा रहा है कि ये लोग जो दावेदारी कर रहे हैं इस पर जो है लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग भी समझ गए हैं कि भाजपा जिम्मेबाजी करती है, इस तरीके का बयान आए दिन सामने निकल कर आते रहता है, क्या लगता है कि इसमें क्या सच्चाई है और इस पर किस तरीके से काम करेंगे? इससे पहले जो 15 साल की जो सरकार थी आरजेडी के द्वारा, आरजेडी सरकार चलाई थी, उसमें तो गंगा राज इतना हो गया था कि आप मतलब सड़क पे नहीं कर सकते, कोई आदमी सड़क पे नहीं जा सकता है, 4 बजे में जो था उसका पेटेंट घर भरने, आज तो आप 10 बजे घूमिए, 11 बजे घूमिए, जहाँ मन आ जाइए, एक जगह से दूसरे जिला जाइए, एक गांव से दूसरे गांव आ जाइए। यहाँ तो पहले का तो ये आलम था जो एक पंचायत से दूसरे पंचायत जाएगा तो मर्डर हो जाएगा, अब देखिए कितना प्रशासन टाइट है, आप देख लीजिए कैसा है। अच्छा, जब आप ऐसी बातें कह रहे हैं तो मिश्रा भारती का बयान आपने सुना ही होगा, अभी हाल फिलहाल ये बयान सरकारों की है, उन्होंने कह दिया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो हम बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को जेल में डाल देंगे, एक बड़ा बयान है। बोला बयान है, इससे कोई वो नहीं है, आपको ये बोलेगा कि किसी को हम जेल में डाल देंगे उसकी बातों को क्या नोटिस है। अब ठीक है, आज तक जो है 10 साल में कोई ऐसी बात नहीं आई, और उन्हीं के घर में 2 आदमी हैं, एक तेजस्वी है, तेज प्रताप है, तेजस्वी के कितने ईडी सब लगे हुए हैं, और तेज प्रताप को देख लीजिए भाई, जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा चाहे कोई भी हो। तो ईडी सीबीआई पर भी तो सवाल उठे, अब सवाल उठाने वाले तो सवाल उठाएंगे, जब आप ये चोरी करोगे या जब आप पकड़े जाओगे तो आप 10 तरह के सवाल उठाते हैं, हम ना किए, हम ये किए, हम वो किए, हम दिस किए, हम डैट किए, ये सब जनता सब जानती है, जो सच सच और झूठ झूठ हो जाते हैं ये सब जो है सब जेल जाएंगे, फालतू में जो सब पे मुकदमा करेंगे। तो इस वक्त भारतीय जन परिवार पार्टी से हमारे साथ पृथ्वी कुमार माली जी थे, जिनसे हमने बातचीत की कि ये किस तरीके से भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, भाजपा 40 से 40 सीट जीत रही है। इन्होंने विपक्ष पर भी करारा तंज किया है और कह दिया है कि विपक्ष चाहे जो भी बोले ये उनका बरबोलापन है, इससे कुछ बदलने नहीं जा रहा, भाजपा बहुमत के साथ आई। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे तमाम वीडियो देखिए, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे हमारे चैनल भारत के। धन्यवाद।